बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ली है। तकरीबन 3 मीटर जो फैब्रिक है, ये डबल फोल्ड है। मैं फ्रंट साइड की टाई करूंगी, उसके लिए मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। उसकी चौड़ाई मैंने ली है 18 इंच। अब मैं यहां पे तीरे का निशान लगाऊंगी। पहले तीरे का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे, और यहां से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा ऊपर से मैं तिरछा टाई कर लूंगी इस साइड से। यहां पे भी 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहां पे सीधी लाइन ड्रा करूंगी। यहां पे 1/2 इंच फ्रंट साइड का निशान लगाऊंगी और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। यहां पे लगाऊंगी मैं 10 इंच पे निशान। एक इंच यहां पे भी एक्स्ट्रा लूंगी। और यहां पे लगाऊंगी मैं 14 इंच पे निशान। कमर की चौड़ाई मैं लूंगी 9 इंच। 1.5 इंच यहां से भी एक्स्ट्रा लूंगी। अब अपनी लाइन को मैं आपस में मिला लूंगी और यहां से इसकी गुलाई करूंगी। ये फ्रंट साइड है, इसकी थोड़ी सी मैं गहराई रखते हुए गुलाई करूंगी। फ्रॉक की लंबाई में रखूंगी 38 इंच। अब मैं यहां से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई करूंगी। यहां से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहां से इस तरह से गुलाई करूंगी। जी मैंने इसकी गुलाई कर ली है। अब मैं इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। ये मैंने कटाई कर ली है। बैक साइड पे पेटी अटैच करूंगी, उसके लिए मैं ये वाला फैब्रिक जो है कटाई कर लूंगी। पेटी की चौड़ाई मैंने लेनी है 11 इंच। यहां पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। लंबाई मैंने ली है 13 इंच। अब इसे इस तरह से रखते हुए और इसका निशान इस तरह से लगाऊंगी। फ्रंट साइड मैंने थोड़ी सी गहराई में रखी है। ये मैंने बैक साइड की पेटी तैयार कर ली है। अब ये जो मैंने कटाई वाला पीस बाकी का बचा था, इसे फोल्ड करूंगी। इस तरह से तिरछा इसे फोल्ड करूंगी। बैक साइड मैंने ए लाइन शेप में कटाई करनी है। लंबाई मैंने ली थी 39 इंच। अब एक निशान यहां पे लगाऊंगी।
ये वाला पीस जो है मैंने ऊपर से खुला रखना है, इसके ऊपर भी मैंने चूंट्स डाल ली है। अब यहां से इसका नाप लेते हुए इसकी गुलाई करूंगी। निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई करूंगी। यहां पे मैंने 27 इंच में निशान लगाया, यहां से मैंने आधा इंच बढ़ा लिया था और आगे से भी आधा इंच ही बढ़ाऊंगी। इस तरह से अब यहां पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। यहां पे मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहां पे 3 इंच पे इसे इस तरह से पकड़ के अपने आपस में जोड़ते हुए यहां पे सिलाई लगाऊंगी और यहां से 3 इंच छोड़ूंगी। और फिर यहां से 3 इंच को आपस में मिला दूंगी। और यहां से 3 इंच छोड़ दूंगी। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए यहां पे सिलाई लगा दूंगी। प्लेट्स मैंने डाल दी हैं, यहां पे मैंने छोटी छोटी सिलाइयां लगा दी हैं इस तरह से। अब मैं इसे बिल्कुल यहां से दरमियान में ये कट लगा के इस सिलाई को ऐसे रखते हुए यहां पे भी सिलाइयां लगा दूंगी। यहां पे सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसके साथ पेटी अटैच करूंगी। यहां पे सिलाई लगा दूंगी। अब मैं फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूंगी। गले की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच, गहराई लूंगी 3.5 इंच और इसकी गुलाई कर लूंगी। फ्रंट साइड से मैंने इसे ओपन रखना है। अब फ्रंट साइड की कटाई कर लूंगी। इसके ऊपर अटैच करने के लिए मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है 2.5 इंच। प्रेस करूंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए।
इस कपड़े को अब इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करूंगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूंगी, ऐसे ये पट्टी फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से सारी पट्टी को मैं फोल्ड कर लूंगी। एक पट्टी मैंने ये ली है 1 इंच से थोड़ी सी ज्यादा, और लंबाई इसकी मैंने ली है 24 इंच। इसके ऊपर इस तरह से चोट्स डालूंगी। सारे कपड़े के ऊपर चोट्स डालते हुए सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने पट्टी तैयार कर ली। इसकी लंबाई मैंने रखी है 10 इंच। नीचे से यहां से मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिए। अब यहां पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूंगी और बाद में इसके ऊपर पट्टी अटैच करूंगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है, इस तरह से इसके नीचे रखते हुए यहां पे सिलाई लगा दूंगी। सारी पट्टी को इसके साथ अटैच कर दूंगी। दूसरी साइड पे भी मैंने पट्टी लगा दी है। एक सिलाई में ही मैंने ये पट्टी लगाई है। इस तरह से फोल्ड करके इस तरीके कर लें तो एक सिलाई से ही बहुत ही प्यारी पट्टी लग जाती है। ये भी मैंने एक सिलाई से ही लगाई है। अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। 4 मैंने इसे फोल्ड कर ली है। बाजू की लंबाई मैंने लेनी है 21 इंच। चौड़ाई बाजू की लेनी है 8 इंच। यहां पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे से बाजू की चौड़ाई रखूंगी 6 इंच और ये 7 इंच पे मैंने निशान लगाया 7 इंच। 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बैक साइड की पेटी मैंने अटैच कर दी है। मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं बैन अटैच करने के लिए इसका नाप लूंगी। इसके दरमियान में मैंने कट लगा दी है। इस तरह से इसको ऊपर एंची टेप को रखते हुए इसका नाप लूंगी। 16 इंच का बैन अटैच करूंगी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। ये मैंने बैन कटाई कर ली है। बैन का कपड़ा इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच और लंबाई मैंने इस गले के मुताबिक ली है। इस पट्टी मैंने सीधी सीधी कटाई की थी और यहां पे पेस्ट करने के बाद मैंने अजाफी पीस जो है उतार दिया। अब यहां पे इस तरह से सिर्फ मोड़ते हुए ये वाली सिलाइयां लगा लूंगी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। अब मैं इसे गले भी अटैच करूंगी। दरमियान में कट लगा लूंगी। कटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है।
और जो ये जो नोक बड़ी हुई है इसकी कटाई कर दूंगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और सिलाई लगा लूंगी सारी फ्रॉक के ऊपर। बैन मैंने अटैच कर लिया। बैन अटैच करने के बाद ये वाला कपड़ा है ऊपर नीचे रखते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक यहां तक मैंने सिलाई लगाई है और यहां पे मैंने एक टिच बटन अटैच किया है नीचे वाली साइड पे। गला पहनने के बाद इसे इस तरह से बंद कर दिया जाए। ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही आसान बनानी, बहुत ही आसान है और पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए ड्रेस तैयार की है। अच्छा हाँ। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे ये चोट्स डालने से इसकी खूबसूरती बैक साइड से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नीचे से मैंने 8 इंच खुला रखा है इस तरह से, नीचे से मैंने 8 इंच ओपन रखा है। बाजू मैंने सिंपल ही तैयार की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।